Hey guys, what's up? This is your one and only Dipan Zone and you guys are watching none other than Dibangama. So today's vlog is like a very 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 special one for me and for you guys as well because we have a lot of information we share in this vlog. As you can see, here is my Ura Interceptor 650 and now I am in Shona Bhai's place. Shona Bhai is also here. So Shona Bhai, say hello. Hello. Shona Bhai, hello. It's a different swag level of Shona Bhai. As you guys already know, there is a problem in my Ura inside. That is the brake pad. The brake pad is finished in front and back. The brake pad interceptor is available. नहीं तो मैं अभी सोना भाई के पास आए तो सोना भाई हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में का हालत देखना है क्या? हाँ दिखाओ एक बार ये पूरा खत्म हो चुका है ये पीछे वाला ब्रेक पैड है ना ये देखो जवानी चूस गया इसका टोटल खत्म हो चुका है एंड दैट्स द रीजन मैं इतने दिनों से बोल रहा था ब्लॉग में की भाई रॉयल एनफील्ड क्या कर रहे हैं और ज्यादा नहीं और आपका एक हफ्ता चलने के बाद ऐसे प्लेट का इसका इस पे छोड़ आया आपका जो प्लेट है प्लेट है इस प्लेट देखो क्या बढ़िया हो गया ओवर हीट हो गया इसका देखो पूरा दाग हो गया प्लेट पे तो अभी आप कंपनी के अगर कंपनी के लिए मैं वेट करूंगा तो मेरा पेट भी जाएगा मेरा कैलिपर भी खराब हो जाएगा तो वेट नहीं करके मैं एक दिमाग मारा हूँ एक बाइक का लगाऊंगा सेम माल और जिनल माल ही लगाऊंगा ये गाड़ी में अभी चलेगा ठीक है देखो तो अभी देखते एंड ये ब्रेक कैलिपर एंड ये जो डिस्क प्लेट है ना ये अगर एक बार खराब हो गया मोटा खर्चा आने वाला है तो फॉर दैट रीजन सोना भाई इज हियर टू हेल्प मी सोना भाई पीछे वाला एंड सामने वाला दोनों ही चेंज हो जाएगा एंड वन मोर थिंग ये भी बता देते हैं उन लोगों को इफ यू नो तो ठीक अगर आप प्लान कर रहे हो इंटरसेप्टर के बारे में तो आप लोगों को एक चीज बता दे कि इंटरसेप्टर 650 के अंदर जो ब्रेक पैड फिट होता है सामने एंड पीछे वाला मिला के 5200 इज द प्राइस बट हम लोग जो ब्रेक पैड फिट करेंगे उसका प्राइस कितना है हार्डली दो ओरिजिनल लेके होगा आपका 1000 रुपये का 1000 रुपीज तो 1000 रुपीज के अंदर हो जाएगा एंड सोना भाई ये गारंटी दे रहा है कि परफॉर्मेंस एग्जैक्टली सेम ही होंगे एंड आई कम्प्लीटली बिलीव दिस पर्सन सोना भाई चेक भी कर सकते क्योंकि देखो सोना भाई के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो भी 3 साल से है एंड आई कम्प्लीटली बिलीव दिस पर्सन एंड जो ये इंसान बोलता है ना कि भाई ये करो बाइक के अंदर आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड चलो भाई सोना भाई कर दो तो सोना भाई आज ये चीज जल्दी कर लोगा संडे आज बंद हो जाएगा तो भी हम लोग जा रहे हैं वो ब्रेक पैड खरीदने के लिए बहुत डर मुझे लग रहा है कि OEM जो है वो अपन फिट नहीं कर रहे बट ठीक है भाई 1000 रुपीज ही तो है थोड़ा बहुत खेल के एक बार देखते एंड अगेन आई विल से वन थिंग कि आई कम्प्लीटली बिलीव दिस पर्सन सोना भाई इफ दिस पर्सन इज सेइंग कि नहीं जी परफॉर्मेंस में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा तो चलो भाई देखते एक बार जाकर फिट करके क्या होता है नाउ द मेन पार्ट कि कौन सा ब्रेक पैड फिट होने वाला है मेरे इंटरसेप्टर 650 के अंदर तो सुनो भाई अभी दिखाओ रॉयल एनफील्ड का है ये थंडरबर्ड का इधर पे पार्ट नंबर है 594698/A दिस इज द पार्ट नंबर ओके ये है पैकेट ये ब्रेक शू में खोल दिया हूं अच्छा अब मैं दिखाता हूं ये ब्रेक शू ये मैच करके हां देख लेना सेम है ये पूरा एकदम परफेक्ट भाई मिल गया मैच हो गया ब्रेक पैड हां सब तरह से एक देखो हां एकदम एकदम परफेक्टली मैच है हां ओके अब ये भी दिखा देता हूं ये तो टेढ़ा हो गया है हाँ हाँ सो भाई कम्प्लीटली मैच हो गया एंड ये पीछे वाला ब्रेक पैड है इसका प्राइस है 230 रुपीज सुनो भाई अभी फटाफट फिट करो तो रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड में जो ब्रेक पैड आता है वही ब्रेक पैड आप फिट कर सकते हो इंटरसेप्टर 650 के अंदर खामों का इन्वेस्ट करके कोई फायदा नहीं यहाँ पे इसका प्राइस एंड कहाँ पे उसका प्राइस भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस है आई नो इफ यू आर ओनिंग अ 650cc बाइक तो यू कैन अफोर्ड लाइक 5000+ रुपीज टू चेंज योर ब्रेक पैड बट अगर वही सेम चीज हो सकता है हाफ नहीं बहुत ही कम प्राइस के अंदर देन व्हाई टू इन्वेस्ट योर मनी नाउ सोना भाई विल ओपन दिस फ्रंट ब्रेक कैलिपर देन जाके वो भी दिखा दे कि उसका जो कंडीशन है वो क्या है सामने का ब्रेक पैड का कंडीशन उतना खराब नहीं होंगे जैसे कि पीछे का है बट वो तो निकलने के बाद पता चल जाएगा सो दिस इज द कंडीशन ऑफ द फ्रंट ब्रेक पैड ये सामने का जो ब्रेक पैड है इसका कंडीशन उतना खराब नहीं है जैसे कि पीछे वाला ब्रेक पैड का कंडीशन थे जस्ट चेक आउट द कंडीशन ऑफ द फ्रंट ब्रेक पैड ऑफ इंटरसेप्टर 650 देखो पीछे वाला ब्रेक पैड तो 250 रुपीज के अंदर हो गया एंड अभी जाके ये देखना है कि सामने वाला जो ब्रेक पैड है उसका प्राइस कितना है तो ये सामने वाला ब्रेक पैड भी हम लोगों को मिल गया एग्जैक्ट मैचिंग में बट ये रॉयल एनफील्ड का नहीं है ये सीवीआर का है सीवीआर तो चलो सुना भाई एक बार मैचिंग करके दिखा दो किन 06435KY1711 इज द पार्ट नंबर एंड प्राइस है 924 रुपीज ओके अभी सुना भाई मिला के दिखाओ एक बार आप मिला के मैं दिखाता हूँ ये देखो सेम परफेक्ट माल देख लो एग्जैक्ट मैचिंग है ये देखो पूरा परफेक्ट ठीक है एंड बाइबर का ही है जस्ट चेक दिस आउट की बाइबर का ही है एंड ये भी हो गया मैचिंग क्या बात है सुना भाई क्या बात है आप इस पे एक फंडा है ये हाँ। लगा भी सकता है नेवी लगा सकता है इसको ऐसे ऊपर से उठ जाए यहाँ से पुश करना बस ये खुल गया ओके ओके नॉर्मली जैसा था ब्रेक टू आपका हो गया देखिए ठीक है क्या बात है सुना भाई डन 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 पीछे वाला ब्रेक पैड तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए अभी सामने वाला ब्रेक पैड इंस्टॉल हो रहा है एंड उसके तुरंत बाद GoPro में और एक बार मिलेंगे देन चला के ये बताएंगे कि ब्रेकिंग फीडबैक में कोई भी लैग है कि नहीं है तो दो ब्रेक पैड मिला के जो मेरा खर्चा अभी हुआ है दैट इज 920 सामने वाला ब्रेक पैड का MRP थे तो 920 यानी 900 आफ्टर डिस्काउंट
एंड देन प्लस 250, तो 220 पकड़ लो, 220. सो यस, दिस इज द अमाउंट विच आई जस्ट पेड, 1120 रुपीज के अंदर दोनों ब्रेक पैड चेंज हो गया. अगर सर्विस स्टेशन में जाओगे, इंटरसेप्टर 650 का जो ब्रेक पैड है वो अगर इंस्टॉल करोगे, देन जो खर्चा होगा वो अबव 5000 रुपीज़ है, और नहीं तो 4900 अगर आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए तो ही. अच्छा देख लो भाई, आराम से देख लो, ये हो गया कैलिपर के अंदर ब्रेक पैड फिट. सो द फाइनल मोमेंट ऑफ दिस व्लॉग, नाउ आई हैव टू चेक कि जितना भी इन्वेस्ट मैंने किया है वो वाकई एकदम सॉलिड इन्वेस्टमेंट था कि नहीं. So now, let's see. तो इधर से लेते लेफ्ट क्योंकि खाली रहता है, देन चेक करेंगे स्टॉपिंग पावर. तो नाउ आई अप्लाई, भाई प्रॉपरली इट इज वर्किंग मैन, ब्रेक तो शानदार तरीके से वर्क कर रहे हैं. क्या फायदा है टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी कि आप 5000 इन्वेस्ट करके इंटरसेप्टर का ब्रेक पैड खरीद के कोई फायदा नहीं है भाई. एग्जैक्टली सेम फीडबैक अभी मुझे मिल रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है. Thanks a lot, thanks a ton to Shura bhai for saving my money. क्या बात है, बट मुझे अभी इधर से एक यूटर्न लेना है. मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास इंटरसेप्टर 650 है तो फालतू यू नो इन्वेस्ट मत करो इन बाइंग इंटरसेप्टर 650's ब्रेक पैड. 5000 रुपीज़ इन्वेस्ट करके जस्ट गो फॉर दिस वन. सामने में सीवियर 250 का ब्रेक पैड फिट हुआ है जो कि आपको 900 के अंदर मिल जाएगा. पीछे में फिट हुआ है थंडरबर्ड का रॉयल इनफील्ड का, ये वो आपको मिल जाएगा 220 रुपीज़ के अंदर. So now again I'll give it a try. Okay. खतरनाक परफॉर्मेंस, स्टॉपिंग पावर पहले जैसा था ठीक वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है. I'm feeling so proud कि I'm associated with a person who knows a lot about all these stuff like Shona bhai. Thank you. So now I'm in 50. Now I'll apply the brake. ABS is working properly and proper feedback है. भाई पहले मैंने मिरर में देख लिया था कि पीछे में कोई गाड़ी नहीं है, ऐसा मत सोचना कि एकदम बीच सड़क में ऐसे करके ब्रेक अप्लाई कर दी दीपांगा माने. So I have already shared my experience after installing this brake pad. So thanks a ton to this person. अगर आपको ये काम करवाना है तो छोटा भाई के पास आना है. छोटा भाई आपका नंबर एंड कहाँ पे आना है वो बता दो एक बार. माई मोबाइल नंबर 9883405600. आप नवीना सिनेमा हॉल पे आने से मैं आपको पिकअप करूंगा. आई विल डू वन थिंग, अभी आप लोग को ये बताएंगे कि कितना अमाउंट अपन सेव की. राफली अगर 5000 पकड़ ले दोनों ब्रेक पैड का, इंटरसेप्टर 650 का, देन मेरा जो खर्चा हुआ है 1120 रुपीज़. सो 3880 रुपीज़ आई हैव सेव टुडे. क्या बात है,
क्या बात है भाई, इतना कुछ तो मुझे लाइफ में कभी भी नहीं आया। आज मुझे लग रहा है कि यू नो आई एम द विनर एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ सोना भाई। तो ठीक है भाई, आज के लिए ब्लॉग एकदम सिंपल सोबर इन्फॉर्मेटिव इतना ही था। जो करना सोच समझ करना, बिना सोचे कुछ मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम तो फील फ्री टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज है जिसके बारे में आपको एकदम तुरंत रिप्लाई चाहिए, देन आपको मेल करना है मुझे dipangama@gmail.com। एंड कॉन्स्टेंटली मेरे फोन में फोन आ रहा है एंड वी आर वेरी क्लोज टू 50K सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज भाई जाओ, जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा बहुत और भी सपोर्ट दिखा। Dipangama, लव यू गाइस सो मच सो मच। तो ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।